नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद संजय में मैं संजय आपका स्वागत करता हूँ। और शुरू करने से पहले, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी का बटन है उसको भी आप दबा लीजिए, सो दैट जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रा। देखिए एग्जाम्पल पूछा गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस ए वन बाई ए स्क्वायर माइनस थ्री बाई ए पूछा गया है एस एस रिजल्ट टीयर वन में 2014 में। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जो दिया गया है उसको आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि देखिए क्या पूछा है। ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर, मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ, उसको रीअरेंज करना है मुझे, प्लस थ्री ए माइनस थ्री बाई ए पूछा गया है। इसको मैं ये प्रॉपर लिखता हूँ तो ये ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर तो मेरे पास है, और तीन को निकालूंगा तो ये क्या होगा, देखिए ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए ये माइनस वन बाय ए मुझे मिलेगा। तो अभी देखिए क्या है कि ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर, इसका इसको निकालने के लिए अपने पास, मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि देखिए यदि मेरे पास वन माइनस सॉरी ये माइनस वन बाय ए स्क्वायर है प्लस टू, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर उसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू मैं लिख सकता हूँ। इसलिए ये जो है, यहाँ भी मेरे पास ए माइनस वन बाई ए है, यहाँ भी मुझे ए माइनस वन बाई ए निकालना है। इसका मतलब मैं जो दिया गया है इसको मुझे ए माइनस वन बाई ए में मुझे कन्वर्ट करके लेना है। तो दिया क्या गया है देखिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मैं लिखता हूँ कि ए माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री ए माइनस वन बाई ए लिखता हूँ मैं, इसको ऐसे रख देंगे। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखिए अभी मुझे जो दिया गया है उसको अपने को कन्वर्ट करना है, किसमें, वन बाय ए बाय वन बाय ए जो है, ए बाय ए माइनस वन बाय ए जो दिया गया, जो निकालना है मुझे, जो कैसे निकालेंगे, जो दिया गया है ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इससे हम लोग वो ए बाय ए माइनस वन बाय ए को हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू फोर ए आता है मेरे पास। अभी दोनों साइड पे मुझे यदि ये से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये ए को ये जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए, अपने को मालूम है, देखिए ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए आता है। तो इसलिए ये जो है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू फोर रहेगा, इसका मतलब ए माइनस वन बाई ए इक्वल टू फोर है, बराबर है। तो इसलिए ए माइनस वन बाई ए मेरे पास चार आ गया, इसमें डालता हूँ मैं स्क्वायर आ गया, प्लस टू प्लस प्लस थ्री अपॉन यहाँ वापस चार आएगा, तो चार का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन, प्लस टू आ गया प्लस ये हो गया ट्वेल्व। ये देखिए क्या आ गया, ये हो गया आंसर सिक्सटीन प्लस टू एटीन प्लस ट्वेंटी हो गया थर्टी, जो ऑप्शन नंबर चार में दिया गया है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, देखिए एग्जांपल एस एस सी जी एल 2014 टीयर वन में पूछा गया था। एग्जांपल को देखने के बाद देखिए ऐसे टाइप के एग्जांपल जनरली प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ उसमें हेडेक नहीं होता, एग्जांपल देखने के बाद ही आपको समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, मगर आपको ये मालूम है कि यदि आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, आपको अपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जनरली टाइम नहीं लगता। मगर एक बात याद रख लीजिए कि जो अलजेब्रा है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए थ्री माइनस फाइव एक्स अपॉन टू एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव वाई अपॉन टू वाई प्लस थ्री माइनस फाइव जेड अपॉन टू जेड इक्वल टू जीरो दिया है, देन द वैल्यू ऑफ टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू अपॉन जेड पूछा गया है। एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आएगा कि देखिए मेरे पास नीचे यहाँ जो दिया गया है उसमें यक्स वाई एंड जेड है, तो ऊपर की ओर मुझे टू लाना है हर जगह पे। तो हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो दिया गया है उसी को हम लोग इसके इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री में थ्री माइनस टू यक्स थ्री अपॉन टू यक्स माइनस फाइव यक्स अपॉन टू यक्स मैं लिख रहा हूँ इसको, प्लस थ्री अपॉन टू वाई माइनस फाइव वाई अपॉन टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू जेड माइनस फाइव जेड अपॉन टू जेड मैं लिखता हूँ,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ यक्स जाता है, यहाँ यक्स जाता है, यहाँ वाई जाएगा, वहाँ वाई जाएगा, यहाँ भी झेड जाएगा, यहाँ भी झेड जाएगा, तो मुझे मिलता है 3/2x प्लस 3/2y प्लस 3/2 2z मिलता है। और ये 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 मतलब 3 × 5 तीन थ्री टाइम्स आता है, इसलिए 5/2 मिलेगा अपने को। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखता हूँ मैं यहाँ। तो अभी देखिए मेरे पास 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। मेरे पास क्या आएगा देखिए, 1/2x प्लस 1/2y प्लस 1/2z माइनस 5/2 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अभी ये -5/2 इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लूँगा तो मैं ये मुझे इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो +5/2 होगा। अभी मुझे क्या चाहिए देखिए, ऊपर क्या चाहिए 2 2 2, और नीचे क्या है मेरे पास यक्स 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 वाई एंड 2x 2y एंड 2 जो है मुझे चाहिए x y एंड z। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों ऊपर और नीचे मुझे 2 से निकालना है, तो ऊपर और नीचे मैं 4 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे, तो क्या होगा देखिए, मैं यहाँ 4 लेता हूँ, यहाँ 4 लेता हूँ, यहाँ 4 लेता हूँ, यहाँ भी 4 लेता हूँ, चलता है। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों साइड राइट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको दोनों को बैलेंस कर रहा हूँ। तो ये 2 से ये 2 जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, इसका मतलब 2/x आएगा प्लस 2/y आएगा और 2/z आएगा, और ये आएगा 20/2। दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 27/169 इक्वल टू ये 1 + x/13, देन वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। ये भी एग्जाम्पल जो है इस एग्जाम्पल में पूछे एग्जाम में पूछा गया है, मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा, बट ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल, जो जो एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सो सॉल्व करने का तरीका हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए ये 1 + 27/169 जो उसको मैं लेता हूँ, तो क्या होगा 169 + 27/169, तो ये कितना हो गया 127 से मतलब 170 1890 196 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 169। अपने को मालूम है 196 मतलब कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर है, तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ 14 है और यहाँ आएगा मेरा 13। ठीक है, तो 14/13 इक्वल टू मेरा 1 + x/13 आएगा। तो मैं इसको देखिए 13 + x/13 यहाँ 14/13, ये 13 13 जाएगा, तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 14 - 13 मतलब x इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कुछ ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, एग्जांपल देखने के बाद समझ में आता है, ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। चलिए तो दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, 2p/p² - 2p + 1 इक्वल टू 1/4, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 1/p पूछा गया है। मैंने बोला था कि ऐसे एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो दिया गया है उसी से अपने को जो पूछा गया है उसको डिराइव करना है। एग्जांपल पूछा गया है सीजीएल टीयर 2 में April 2015 में। देखिए क्या करना है, जो 2p मैं लिखता हूँ जैसे दिया है वैसे p² - 2p + 1 इक्वल टू 1/4 मैं क्या कर सकता हूँ एग्जांपल में, यदि मैं दोनों को जनरली क्या करता है कि जो है वेरिएबल्स है दोनों साइड पे ऊपर और नीचे अपने को डिवाइड करना है, तो क्या होता है देखिए ऊपर और नीचे डिवाइड करने के बाद ऊपर पी पी निकल जाएगा, मेरे पास ऊपर रहेगा 2 रहेगा, नीचे क्या रहेगा पी पी से यहाँ जाएगा पी ए निकल गया -2 + 1/p आएगा, तो ये क्या होता है 1/4। आगे देखिए क्या होगा, 2/p + 1/p मैं इसको यहाँ लेता हूँ, -2 आता है इक्वल टू 1/4। ठीक है, पूछा गया क्या है, ये जो है उसको पूछा गया है, तो यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा देखिए, p + 1/p - 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वल टू 8 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 आ गया, प्लस p + 1/p इक्वल टू 2 को यहाँ लूँगा, +2 होगा आंसर आना चाहिए 10। कितना सिंपल एग्जांपल है देखिए।